मोरी के पास भद्रासू और खरसाड़ी के बीच में बड़ी सुंदर घाटी है ये, जिसमें कि एक समय तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग अनाज की खेती हुआ करती होगी, और लेकिन अब भी क्योंकि पलायन हुआ है तो काफ़ी सारे खेत बंजर हो चुके हैं। नदी के किनारे के खेत देख सकते हैं बंजर, इनको ऐसे कभी नहीं छोड़ा होगा। जैसे ये भी एक एग्जांपल के लिए खेत है ये वाला, पुराने लोगों ने बुज़ुर्गों ने ज़रूर इसमें कोई ना कोई अच्छी फसल ली होगी, और इसके ऊपर अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी पढ़ लिख के नौकरियों की तलाश में शहर की तरफ जाएगी, तो ये बचा खुचा जो खेती का रकबा है ये भी समाप्त होगा कुछ वर्षों में। और भले ही कितनी भी कोई कोशिश कर ले, यहीं फैक्ट्री लगा दे, स्कूल कॉलेज खोल दे, हॉस्पिटल दे दे, लोग फिर भी शहर में जाएंगे। वो एक मानव प्रवृत्ति है, और हमारी कुछ सामाजिक संरचना भी ऐसी है कि पढ़ लिख के नौकरी करना और शहर में फिर मकान बनाना और बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना एक उन्नति और प्रगति का मानदंड भी बन गया है। तो हालांकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन वो वही लोग रिवर्स कर रहे हैं जो एक समय चले गए थे और उनको उन्होंने अपनी अपना जीवन जी लिया, वो शहर की सुविधाओं का फ़ायदा उठा लिया, रह लिए, अब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जो जिसने वो देखा ही नहीं, वो लोग तो उस आकर्षण को नज़दीक से देखना चाहते हैं। वो नई पीढ़ी तो जाएगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। वो हाँ, अगर वो वापस आए वो सब देखने के बाद 5-7 साल बाद, तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये है जी स्थिति पहाड़ की आज की। तो